दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? अखिलेश जी न केवल वो बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना, देवरिया की जब घटना हो गई विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था, 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से, ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया, अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है, प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो, कई लोग दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे, रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप, लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। आज ही मुझे किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी, कानपुर की घटना है, एक को जरूरत थी डायल 100 के, डायल 112 को फोन किया उसने, न जाने कितनी बार फोन किया लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार कॉल करने के बाद भी डायल 112 इमरजेंसी सर्विस पुलिस की मदद करने नहीं आई। ये वो इमरजेंसी सर्विस थी जो समाजवादी सरकार ने नियो की पुलिस से सीख करके उत्तर प्रदेश को दी थी। जिस तरीके से नियो की पुलिस डिपार्टमेंट जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उनका, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश को रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को दिया था। तो ये पूरे प्रशासन की नाकामी है, और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं, हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। जब इनके मंत्री विधायक या पूरा विभाग दूसरी चीज में लगा होगा तो कब व्यवस्था बनाएंगे? एक मुझे वीडियो मिला मां गंगा के गंदगी का, हमने ट्वीट कर दिया, अधिकारी सफाई करने पहुंच गए। मैंने केवल वीडियो ट्वीट किया था और आप देख लीजिए, अधिकारी पाइप लेके पानी का, बोलो गंगा में पानी इतना और पाइप से सफाई कर रहे थे, बताइए घाट, कमाल है इनका। तो ये सरकार जाने वाली है, हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है। बच्चे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं, और इस पर किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को भी अधिकार है कि किसी के भी बच्चों को मार दें इस तरह से। और समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा दर्पण है कि हमारे समाज में कितना ज़्यादा आजकल जो है गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में। तो मैं बदायूं एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कल्की धाम का जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है, समस्त लोगों से ये अपील करी है कि कल्की अवतार एक ऐसे अवतार होंगे जो कि जो है कलयुग का नाश करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म में भी ये कहा गया है। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री के मैसेज को समझें और इस प्रकार की जो ये घटनाक्रम हो रही है आपसी रंजिश की वजह से, आपसी वो, तो इसको किसी भी तरीके का, और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूँ कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनाए इस